क्वेश्चन नंबर एट देखो, ये डायग्राम मैंने बना लिया है, ठीक है। ए दिखा रहा है ना, ए तो ए पर क्या बनाना है, इस पर थीटा बनाना है। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। वैल्यू देखो क्या दे रखी है, हमें दे रखी है 3 cot A इक्वल 4 दे रखी है। 3 को उस तरफ ट्रांसफर कर दूँ तो कोट ए इक्वल हो जाएगा 4 upon 3। कोट की वैल्यू क्या होती है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। देखो इधर ये होता है साइन कोस 10, तो 10 का उल्टा क्या होता है कोट, तो कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी B/P। तो यहाँ पे लिख दो B/P, ठीक है। फिर देखो इसमें बेस दे रखा है 4, परपेंडिकुलर दे रखा है 3। अब देखो हाइपोटेनस फाइंड करते हैं, तो H² = P² + B² पी का मीन्स दे रखा है 3 का स्क्वायर, और बी का मीन्स दे रखा है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, दोनों को ऐड किया तो 25, तो H² आ गया हमारे पास 25। तो H कितना आएगा, √25, तो √25 का मीन्स 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। 25 किसका रूट होता है, 5 का। अब देखो क्या क्या फाइंड करना है, साइन कॉस और टेन। तो सबसे पहले देखो साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन A क्या होता है P/H, तो P/H इसमें P कितना है 3 और H कितना है 5। फिर देखो कोस A फाइंड करते हैं, कोस A की वैल्यू कितनी है B/H, तो ये है B/H। B कितना है इसमें 4, H कितना है 5, और tan A की वैल्यू फाइंड करते हैं वो कितना है P/B, तो P/B मतलब 3/4, पी कितना है 3/4, ठीक। अब देखो ये हमारे पास है 1 - tan² A / 1 + tan² A = cos² A - sin² A, दोनों इक्वल है या नहीं है ये फाइंड करते हैं। देखो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो आप 1 - tan² A और 1 + tan² A, लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो 1 - tan² की वैल्यू का मीन्स 3/4 का स्क्वायर, 1 + tan² A का मीन्स 3/4 का स्क्वायर। अब देखो ये तो 1 - as it is, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 + 9/16 है ना। एलसीएम ले लो, नीचे वाले का एलसीएम 16, तो 16 - 9, यहाँ पे 16 + 9/16, 16 से 16 गया, 16 में से 9 गया 8, और ऐड किया तो 25, ये इसकी वैल्यू आ गई। फिर देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर देखो राइट हैंड साइड वो क्या है, cos² A - sin² A, तो cos² A का मीन्स 4/5 का स्क्वायर - 3/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16/25, ये हो जाएगा 9/25, 16 में से 9 गए 8/25, एलसीएम ले। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, दोनों क्या है इक्वल है, तो ये बात क्या है हमारी सही है, ठीक है।